एक भाई जंगल से संघना जंगल के बच्चे ना चिड़ा तो चिड़ी दाल ना उपर उ थले एक कीड़ी रही होंगी वह भी आपका परिवार से थले कीड़े कीड़ी का की कम है 12 महीने 30 दिन आपका खाना जमा रख देने भाई चिड़ी उन्होंने देख के छेडा कराया करे भी ये सारा दिन खाने की रही है तो सियाने कहते ने वक्त आते तो पता लगता होंगे कहते जो बदल साए तो हाँ कीड़ी ने उन्होंने आपकी आवाज च कहा कहती भैने खाना हैगा कहती मेरा की काम मैं तो डारी मारूँ 5 मिनट च लेके आ जाऊँ कहती तो ठीक है चिड़ी नूं आलने का मतलब होंगे चिड़ी आपदा आलना मजबूत रखती होंगी कि वक्त हरेक जानवर आलना चिड़ी का मजबूत होंगे चिड़ी कहती चिड़ी नूं आलना माड़ा नेरी तूफान का नहीं पता तो उन्होंने कोई आलना लग माड़न लग गए खाने च कोई ध्यान उन्होंने तह दो तीन बच्चे छोटे छोटे चिड़ी के नाल बारिश पैन लग गई हूँ बारिश का की पता कद रुकू बारिश कण मंगाणी होगी भाई आखिर ढिड का खाने मंगता चाहे छोटा चाहे व्डा वो चिड़ी कहती भी हूँ कहती चिड़िया की इलाज करिए कहना क्यों कहती खाने तो नहीं कहती हूँ कुछ कोल है बच्चे भी चीकन गए खाना तो मंगण गए बच्चों तो कोई मतलब नहीं कह जहा मौसम चाहिए वो कहना भी देख दे कोई ना कि रुक जी एक दो दिन लंघ गए मौसम तो रुकी ना वो फिर कीड़ी नू कहती है आपकी आवाज चो कहती भैने कुछ खाना बचे वो कहती भैने खाना तो बथेरा बचे पर इतने तक आने की हिम्मत नहीं मेरी आके ले जा चिड़ा कहना चिड़ी कहना गल सुन वो छोटी चीज़ है आप तो छोटे तो मंगना माड़ा होंगे कोई गल नहीं बारिश रुक जू कहती चल देखते हैं फिर जो बारिश ना रुकी आखिर उन्होंने कीड़ी ने फिर उड़ी भी यार बच्चे तो आपदे वर्ग ही ने जिहे जिहे अपने ने कीड़ी ने अपनी सारिया सहेलियां करी कट्ठिया एक एक दाणा दो दो दाने उन्हें चौलों के लेते उपर वग गया उन्हें कोल कहती भैने कहती हाँ कहती लै चौल ले लै बच्चे छका दे चिड़ा पता की बोलिया चिड़े के मन के हंकार से क्यों भी मैं उड्डन जाना डारियां मारना उन्होंने पता की कहना कहना असी आप तो छोटे तो लेके नहीं खाते कहती नहीं जी वक्त पे तो आप तो छोटा भी बहुत तकड़ा हो जाता है कहती ना कहना लिया असी नहीं आप तो छोटे तो लेके खाते कहता चंगा फिर थले आ गई हूँ भुख मूहे कोई बड़ा छोटा नहीं होंगे ना भुख नींदरा देखे भुख मास नहीं देखती मिट्टी नहीं देखती जिहड़ा कुछ मिल गया सकना पूज तो लगी हुई आखिर कीड़ी उन्होंने कहती भी ए कर आप घरवाले कीड़ी कहती भी आप दाने बहरे छोड़ दें भी चिड़ी चक के ले जू कहता ना वो भी हंकार चा कहता अपने भी अंदर दिन है जद अपनी खड मूहरे नहीं आती जद तक उस तक अपन अनाज नहीं देना चंगा जो भाई भुख ज्यादा बढ़ गई बच्चे लागे ज्यादा तंग कर फिर चिड़ा कहता कहना कहना चिड़ी ये गल सुन मेरी कहना राज दुनी चंद सेठ की कुड़ी ने भी भीख मंगी थी रजनी ने कहना हूँ तो चलना आपू कीड़ी की खड्डते चल खड को आके कहती कीड़ी भैने कहती हाँ कहती खाने की लोड़ है उन्हें भाई बाहर चलाई गई खाना कड़कड़ सीटी गई वो चुगी गए चुग चुग भई तह ले गए जदों बारिश रुकी उ फिर उन्होंने भाई औगड़ देना पेगा वह उन्हें गुण कराया दाने दते तो जी किली कहते आप किली पंजाबी तो किली वो खड मूहरे सिप गई आके भी कीड़िया बाहर आनगियां तो मैं अपना भोजन बनाऊंगी तो चिड़ी की निगाह पैगी भी किली बैठी जी कीड़िया खाऊंग उन्हें तह तो आवाज दी कहती भैने कीड़ी आप कीड़िया बहरे ना आन दी किली बैठी तो असं बंदोबस्त कर दीए जो भाई उन्होंने किली के मगर पै गई चुंझा लग गया मारन किली भजना पै गया किली भज गई कीड़ी बहरे आ गई कीड़ी कहती लै भैने तेरा सान तारता कहती भैने कहता कहती भी तेतों नाज लेके मैं बच्चों सिखाया तेरा सान तारता मैं कहती भैने सान ऐ नहीं उतरता हुंदा कहती क्यों कहती ना कहती पहली गल तो मैं सान करी ही नहीं दूजी गल जे सान करया भी हू इत्थे नहीं उतरता तो दगाह च उतरू जाके उत्थे लूं हिसाब किताब मैं तो इत्थे कहता सान मेरा पहली गल तो मैं सान करी ही नहीं तो कहती इसा कहती हाँ मुड़ गई चिड़े कहती भी तो उही गल होगी
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੂੰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ, ਚਿੜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਧਾਰ ਮੋੜ ਦੇ। ਚਿੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਬਾਜਰਾ ਬੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਖੱਡ 'ਤੇ ਛਿੜ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਿੜ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਛਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਛਾਣ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆਪਣੀ ਖੱਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਭਾਈ ਉਹ ਚਿੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੱਡ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਕੀੜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਖੱਡ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਖੱਡ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਖੱਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਤਕੜਾ, ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ ਤੀ, ਅੱਡਿਆ ਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜੋਗੀ 'ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਉਹ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਠੇਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਤੀ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਤਕੜੀ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਕੀੜੀ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਨੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਸਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਬੰਦ।